हाँ घटी दुर्घटना घटी। तो ये हाईवे कुछ ऐसा ही है, एकदम से कुछ भी करके एक मतलब एकदम से कोई भी कटा जाता है। ये संस्कार है, ठीक है, ओके, ये इंडस है, संस्कार है, दोनों मिलके। राइट गाइस, तो मेरी गाड़ी में है पंचर, अब मैं ये देख रहा हूँ कि पंचर वाला मिल जाए मेरे को तो पंचर लगवा लें। दिख गया गाइस, ये देखो वी हैव रीच्ड द माइटी खारदुंगला। तो भाई तेरा भाई This is day 6 और ये है ब्रेकफास्ट आज का। चीनी नहीं ला रहा क्या? ये दही है, दिस परोठा, अचार भी है और मक्खन भी है। चीनी को चाहिए भाई तुमको? दही को मीठा करने के लिए। अबे नमकीन खाओ बे। दही ऑलरेडी मीठा है। ऑलराइट पीपल, तो सब जा चुके हैं और अब बारी है मेरी निकलने की। हाँ मैं लेट हूँ थोड़ा क्योंकि मैं सुबह उठ कर आया। लेट्स सी इस वोट के नाना कितना इफेक्ट करता है या अफेक्ट करता है मेरे को। लेट्स सी, चलो गाइस लेट्स गो टू ले। ऑलराइट पीपल, तो 60 रह गया है ले, 40 समथिंग किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं हम, 54 कर चुके हैं। अच्छा, हमारे होटल से जो लामा यूरो में था वहाँ से हम 54 कर चुके हैं। फ्यूल टॉप अप करा लिया था बीच में। अच्छा एक चीज़ और जो नोटिस करी है मैंने, एक वो कहावत है ना, वहाँ घटी दुर्घटना घटी, तो ये हाईवे कुछ ऐसा ही है, एकदम से कुछ भी करके एक मतलब एकदम से कोई भी कटा जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ मैं आपको, रास्ता चल रहा है सीधा सीधा एकदम से यूँ मिलेगा, एकदम से यूँ मिलेगा, यूँ ऐसे एकदम से यूँ मिलेगा, उससे क्या थोड़ी फट जाती है, पर ठीक है। ये देखो जैसे ये कितना मुड़ गया एकदम से, ये देखो एकदम से सीधे चलते चलते एकदम से मुड़ गया है। अरे बताओ क्या कह रहे थे, लफ्फा छोड़ो। हिंदी में दो नदियों का मिलन, देख लो गाइस। अब मुझे नहीं पता क्या नाम है, नाम पता मुझे क्या है इनके? ये संस्कार है, ठीक है, ओके, ये इंडस है, संस्कार है, दोनों मिलके गंदी हो गई है। ये इंडस वो ही है ना जो पाकिस्तान से आ रही है ना? देख लो भाई इसमें पाकिस्तान का पानी है थोड़ा सा। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ का फोटो सेशन खत्म होते हुए अब हम जा रहे हैं मैग्नेट हिल। यस, याद आ गया, हम जा रहे हैं मैग्नेट हिल। हमें पता है यहाँ मैग्नेट हिल काम करता है, हमें हरकतें नहीं करनी, रोड ब्लॉक कर खड़े हो जाओ तुम, सर पागल वागल है क्या लोग। ऑलराइट गाइस, तो ये है वो मैग्नेटिक हिल वाला एरिया, देख लो कैसा है। यार ये कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो यार, आई थिंक वी आर अबाउट टू एंटर ले। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये खूबसूरती खूबसूरत है। Alright guys, so we are staying in Hotel Om Ladakh. ठीक है, बाहर से ये this is the balcony. ये आकाश इस रूम में जो मन भाई भाभी वाला है। Look at the view. आ रहा हूँ उधर अभी। ओह, आ रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ मैं। Okay, तो पहले आप ये रूम देख लो। ये एक्स्ट्रा बेड है इसके अंदर और ये डबल बेड ये रहा। ठीक है। जो तो अभी ऐसे घूम रहे हम। इसका वॉशरूम भी देख लो, वैसे हीटर में कह रहा था इसका हीटर है, इस सर्दी में काम आता होगा। ये वॉशरूम है, उफ क्वाइट स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है।
लाइट कहाँ से ऑन होगी इसकी? भाई मेरे को नहीं पता लाइट कहाँ से ऑन होगी। ठीक है, यह है वॉशरूम, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है। चलो अब चलते हैं दूसरे वाले रूम में। इग्नोर द लगेज, अभी सेट करना है। एंड दिस इज द अनदर रूम जो भाई भाभी का है। और ये इसका वॉशरूम है, ये भी बड़ा यार। And this is the balcony. Here a jhairila aadmi. Yeah. Oh guys, yahan se view hai wo ye hai dekho. Pehle main yahan pe tha idhar. Nice though. Sab guys, to hum pehle wahan baithe the us balcony mein, theek hai? Ye hamara room, ye bhai bhai wala room jiski balcony hai. Aur ab hum aa gaye terrace pe, theek hai? To terrace kuch aisi hai. एंड दिस इज द ले फार यू। पता है क्या? ऑलराइट पीपल, तो हम जा रहे हैं खारदुंगला। पहले लेंगे हेलमेट रेंट पे आकाश के लिए जो मेरे पीछे बैठा है, फिर उसके बाद हवा डलवाएंगे क्योंकि हवा मुझे बहुत कम लग रही है पिछले वाले टायर में। अब पंचर है कि नहीं है पता नहीं, बट देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये है, हाँ ये है शमास, ये बाइक रेंट देते हैं और ये खुद एक बाइकर है, तो उन्होंने आकाश को हेलमेट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है। रुको ज़रा गाड़ी मुड़ने दो, हेलमेट दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ लो कोई रेंट नहीं कुछ नहीं। अरे रुको रुको रुको, बैठो मत बैठो मत, रुको रुको बैठो मत, फोन करना जरा। राइट गाइस, तो मेरी गाड़ी में है पंचर। अब मैं ये देख रहा हूँ कि पंचर वाला मिल जाए मेरे को, तो पंचर लगवा लें। पंचर पंचर है का? हाँ कितनी दूर है? ऑलराइट, तो पंचर अब चेक हो रहा है और पता नहीं पंचर हैवी नहीं है क्या हो रहा है इसमें, क्या पता हो जाए कि नहीं हो जाएगा, देख लेते हैं। देखिए गाइस ये देखो हो गया। ऑलराइट गाइस, हियर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स खारदुंगला। ऑलराइट गाइस, तो वी हैव रीच्ड द माइटी खारदुंगला। वो पीछे रहा उसका बोर्ड, कुछ फोटोज खिंचवाई हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ ये देखो, जय खारदुंगला टॉप, नॉर्थ कुल्लू 14 किलोमीटर, बाकी सारा साइड कर लो। नूबरा है 86 किलोमीटर, हम नहीं जा रहे भैया, हो गया हमारा। तो एटलीस्ट आधा घंटा रुकने के बाद, ठंड वगैरह लगने के बाद, अब हम चले हैं नीचे। हाँ फोटो सेशन वगैरह सब हो गया है, ठीक है, हाथ नम हो रहे हैं बट ठीक है, थोड़ी देर में नीचे उतना शुरू करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ
चलो गाइस नीचे चलते हैं अब। तो ये गाइस ये स्टूडेंट तब का है जो हम लोग खारदुंगला से वापस नीचे ले आ रहे थे। ये ट्रक वाला मेरे पीछे से आया और उसने मुझे काफ़ी हॉन्क किया, तो मैंने उसको जगह दी थी आगे जाने की, जो कि टेक्निकली हमें करना चाहिए। अब उसके बाद जब मेरे को आगे जाना था तो एटलीस्ट आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक मैं इसके पीछे हॉर्न बजाता रहा हूँ, पास देता रहा हूँ। मगर भाई साहब ये अब देखो कितनी स्पीड चल रही है मेरी बाइक की, और इसको देखो ये आगे चल रहा है भाई अपने अलग स्टेशन में। इसने बिल्कुल भी जगह नहीं दी, इसने ज़रा सी भी जगह नहीं दी है। और जब सामने से ट्रक आ गया, क्योंकि रोड छोटी है तो दोनों नहीं निकल पाएंगे एक बारी में, इसने गाड़ी साइड में रोकी है और हम लोग तब निकले हैं। और हमारी काफ़ी बहस भी हो गई इससे, क्योंकि जगह ही नहीं दे रहा था यार हमें आगे जाने के लिए। तो भाई तो भाई जाए चढ़ा जा रही है। रोक दो गाड़ी, चलाओ धीरे। हाँ क्या अगर वो ठोक दे ये तो गिरे। ऑलराइट गाइस, तो ऑल डन, हमने हेलमेट वापस रख दिया, वो यहाँ पे थे नहीं, जिनसे हेलमेट लिया था हेलमेट रख दिया है विद अ थैंक यू नोट। हाँ विद अ थैंक यू नोट, वो मिले नहीं तो उनसे बोल के जाते। चलो एनीवेज़।